अनार एक ऐसा फल है जिसमें बहुमूल्य गुण हैं, जो एक तीर से कई निशाने लगाता है। अनार या किसी भी फल का रस फ्रेश बनाकर खाना ज़्यादा लाभदायक होता है। बाजार के जूस में मिलावट के साथ हानिकारक तत्व भी हो सकते हैं। आप कोशिश करें तो व्यस्त जीवन में भी अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसे रोज़ाना सलाद के रूप में या ब्रेकफास्ट में खाएं। कई गुणों के इस फल को विस्तार से जानें, तो आइए देखते हैं इस गुणकारी फल के क्या क्या लाभ हैं और इसके अंत में हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खून का स्तर बढ़ाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले अनार खाने के लिए कहते हैं। अनार के बीज शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इससे रक्त बनता है। अनीमिया मरीज के लिए अनार बहुत ज़रूरी है। अनार के रस में फ्रुक्टोज होता है, जिससे रक्त का शुगर लेवल नहीं बढ़ता। अधिकतर अन्य फल और उनके रस का सेवन मधुमेह के रोगियों को कम करने की सलाह दी जाती है, लेकिन वे अनार का सेवन कर सकते हैं। अनार शरीर में उपस्थित विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, इससे यह कैंसर जैसी घातक बीमारियों को बढ़ने से रोकता है। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो कि शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। यह WBC को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और रोगियों को रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस तरह अनार के रोज़ाना सेवन से कैंसर पीड़ित अपनी बीमारी को बढ़ने से रोकते हैं। अनार गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी फल है। अनार में विटामिन और मिनरल के साथ फ्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि बच्चों के लिए अच्छा है। यह ब्लड फ्लो को नियंत्रित करता है। अनार में पोटेशियम की मात्रा होती है, जो महिलाओं में होने वाले पैर दर्द से उन्हें राहत देती है। अगर गर्भवती महिलाएं अनार या अनार का रस का नियमित सेवन करती हैं, तो प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा कम होता है और बच्चे का वजन भी सामान्य रहता है। अनार का रस त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह त्वचा को नमी प्रदान करता है, इससे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती, लेकिन इसका रोज़ाना इस्तेमाल ही ऐसा प्रभाव देता है। यह चेहरे को दाग धब्बे और डार्क सर्कल से भी बचाता है। अनार का रस सभी तरह की त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। यह रस युक्त फल होने की वजह से सूखी त्वचा को आंतरिक नमी देता है, जिससे चेहरे में निखार आता है। तो हमने बात की अनार के गुणों के बारे में, अब हम बात करेंगे अनार से हमें क्या हानि पहुँच सकती है उसके बारे में। किसी भी फल के अगर गुण हैं तो अवगुण भी होते हैं, वैसे ही अनार के भी अवगुण हैं। इन्हें हम अवगुण नहीं कह सकते, लेकिन कुछ विशेष लक्षणों के चलते इसका सेवन करना हानिकारक हो सकता है। जिन लोगों को किसी भी तरह की एलर्जी है, अनार का सेवन उस एलर्जी को बढ़ा सकता है। अनार का रस खांसी और कब्ज से पीड़ित व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अनार ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, अगर इसके सेवन के साथ मेडिसिन भी ली जाए तो इफ़ेक्ट गलत हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर पर फल और मेडिसिन दोनों अपना प्रभाव छोड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसे वीडियोस आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।